कटनी शहर मसाज पार्लर के नाम पर चल रहे देव व्यापार का पुलिस ने फर्जी ग्राहक बन पर्दाफाश किया है। बता दें कि आसपास के लोग परेशान होकर पुलिस को शिकायत करते थे, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां छापेमारी करने पहुंची। पुलिस टीम ने शहर के तीनों स्पा सेंटर में चल रहे देव व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए 22 लोगों को पकड़ा है। उप पुलिस अधीक्षक सुश्री शालिनी परस्ते ने बताया कि एक फर्जी ग्राहक बनाकर स्पा भेजा गया था। इशारा मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को स्पा सेंटर में युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में मिली। कितने लोग पकड़े? कटनी क्षेत्र में लगातार स्पा सेंटरों में ऐसी असामाजिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, जिसमें आज 3 स्पा सेंटरों पर रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें आंवला स्पा सेंटर में 5 लड़के 5 लड़की, आवा स्पा सेंटर में 5 लड़के 4 लड़की और ग्लैमर स्पा सेंटर में 3 लड़कियां संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पाई गई, जहां पर रेड कार्रवाई की गई। देखा जाता है कि बिना लाइसेंस के बहुत से सेंटर चल रहे थे, इसके संबंधित क्या पुलिस को पहले जानकारी? पुलिस को जैसी जानकारी मिल रही है उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे और भी जानकारियां मिलती जाएंगी उस हिसाब से रेड कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सेंटर में क्या किसी महिला के साथ किसी अवैध कार्य के कोई सेक्शन मिली? हाँ, कुछ स्पा सेंटर्स में जो है लड़का लड़की संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पाए गए, जिससे भी आगे कार्रवाई की जाएगी। जो लड़कियां पकड़ी गई हैं, ये क्या कटनी क्षेत्र की हैं या फिर बाहर से भी? नहीं, ये जो लड़कियां हैं वो बाहरी क्षेत्र की बताई जा रही हैं, कटनी क्षेत्र की नहीं बताई। आपके पूछताछ दौरान क्या बताया गया, कितने वर्षों से लोग यहाँ पर हैं? अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी आपको उससे अवगत कराया जाएगा। पुलिस की टीम ने मौके से आंवला स्पा सेंटर से 5 लड़के और 5 लड़कियों को, AWS स्पा सेंटर से 5 लड़के और 4 लड़कियों को और ग्लैमर स्पा सेंटर से 3 लड़कियों को पकड़ा। पकड़ी गई लड़कियां शहर के बाहर की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।